एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम फल कथन की जो सीरीज है उसमें बात करने जा रहे हैं कि कुछ नियम हैं, सूत्र हैं, जिनको शास्त्रों में ज्योतिषियों ने बताया है, उसी के संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में त्रिकोण के स्वामी का क्या फल होगा, और साथ साथ में ये देखेंगे कि वो त्रिशार्ड पति भी बनते हैं तो उसका किस तरह से फल होगा, और वो सौ राशि में होगा तो किस तरह का फल होगा, ये जानने का हम प्रयत्न करेंगे। तो जो सूत्र ये है कि कोई भी ग्रह अगर वो त्रिकोण का स्वामी होता है तो शुभ फलदायक होता है। तो यहाँ त्रिकोण का स्वामी जो यहाँ जो लग्न बन रहा है, यहाँ पे हमने कर्क लग्न लिया है, यहाँ त्रिकोण का स्वामी बनेगा चार नंबर जो है वो चंद्रमा, और पांचवें भाव का स्वामी मंगल, और जो नौवें भाव का स्वामी है गुरु। तो ऐसा अगर कोई भी लग्न होगा अगर त्रिकोण का स्वामी अगर बनता है तो वो शुभ फल देता है, अच्छे फल देता है। परंतु अगर वो तीसरे छठे और ग्यारह भाव का स्वामी अगर है तो उसको त्रिशार्ड बोलते हैं। तो तीसरे छठे ग्यारह भाव के जो स्वामी हैं ये पाप फल देते हैं ना, अच्छे फल नहीं देते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी यहाँ बुद्ध होगा, यहाँ पे फिर जो छठे भाव का स्वामी गुरु हो जाता है, और ग्यारह भाव का स्वामी शुक्र है। तो इनके जो फल हैं वो अच्छे नहीं आएंगे, ये ऐसा सूत्र बताया गया है। परंतु इसके बाद भी अगर ये त्रिशार्ड जो है ये अगर त्रिकोण का भी स्वामी बन जाता है तो यहाँ देखो ये छठे भाव को हमने बोल रहा है कि त्रिशार्ड यहाँ नौ नंबर की धनु राशि है, और अब जैसा त्रिकोण का बोला हमने कि ये नवम भाव है उसका स्वामी गुरु है, तो यहाँ पे नौ और बारह इनका स्वामी गुरु बनता है। तो वो फिर जो बोलेगा कि फिर वो अगर त्रिकोण का स्वामी त्रिशार्ड का स्वामी हो गया तो उसका भी फल जो है वो पापी फल होगा, मतलब अच्छे अशुभ फल देगा। तो यहाँ पे ऐसा रूल के अनुसार ये ऐसा फल देगा। परंतु अगर वो सौ राशि का हो जाता है, जैसे यहाँ पे नौ नंबर की जो है बृहस्पति सौ राशि का हो गया है छठे भाव में, तो वो जो ऐसा जो पाप फल है वो नहीं देके वो पाप फल नहीं देते हैं। तो इस तरह से ये सूत्र बताया कि जब भी आपके जो भी लग्न हो अगर आपके पहले पांचवे नौवे भाव के स्वामी जो रहते हैं वो त्रिकोण के स्वामी कहलाते हैं और अच्छे फल देते हैं, और जो तीसरा भाव है छठा भाव है और ग्यारह भाव इनके स्वामी त्रिशार्ड कहलाते हैं, वो पाप फल देते हैं। परंतु उसमें से अगर एक त्रिशार्ड भी होता है और एक त्रिकोण का स्वामी भी होता है, जैसे यहाँ नौ नंबर बारह नंबर का स्वामी गुरु है, अगर ये कहीं पर भी आओ बैठ जाएगा तो वो अच्छे फल नहीं देगा, परंतु वो यहाँ पे वो सौगरी गुरु हो गया तो उसका फल अच्छा होगा। तो ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने जो भी कुंडली उसमें ये लगाए कि त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो सब फल देते हैं, परंतु अगर दूसरी राशि अगर वो त्रिशार्ड की हो जाती है तो उसके अशुभ फल होते हैं, परंतु वो सौ राशि का हो जाने से उसके फल यहाँ पे अच्छे हो गए हैं। तो ये आप अपने कुंडली में देख सकते हैं कि किस तरह से त्रिकोण के स्वामी का फल शुभ होता है, जैसे त्रिशार्ड भाव तीसरे या छठे ग्यारह भाव के स्वामी का फल अशुभ होता है, परंतु वो अशुभ फल अगर वो त्रिकोण का स्वामी एक त्रिशार्ड का भी स्वामी बनता है जैसे यहाँ बन रहा है, तो वो भी अशुभ फल त्रिकोण वाला स्वामी यानी बारह नंबर का जो राशि मीन राशि है और धनु राशि है इनका अगर गुरु कहीं पे भी बैठता है तो उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक त्रिशार्ड भाव का भी स्वामी बन गया है। परंतु जब वो सौ राशि का हो जाता है तो फल वो अच्छे कर देता है। तो इस तरह से जानकारी आपको दी, ये ज्योतिष के सूत्रों में से एक सूत्र है, ये नियम है जो कि बताया गया है शास्त्रों में। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी रही तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आ तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप परामर्श प्राप्त कर सकते हैं, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।